हाय गाइस, फोन से कुछ ऐसी गंदी सी फोटो को अब ऐसे कर सकते हो। कुछ भी सच्ची में, बस वीडियो को स्किप मत करना। तो इस वीडियो में कुछ ही स्टेप में बहुत ही इजी तरीके से कुछ ऐसी रियलिस्टिक फॉग की तरह आप भी एडिटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए हम जाएंगे फोन के स्क्रीन पर एंड लाइटरूम को ओपन कर लेते हैं। तो चलो। ओके गाइस, आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी लाइटरूम पर फोटो शेयर करके रखा हूँ, जो आप देख सकते हो। तो हमें पहले लाइट एडजस्ट कर लेना है, तो लाइट पर जाऊंगा और लाइट एडजस्ट इस हिसाब से करना है, अपनी फोटो के हिसाब से करना है। अपनी फोटो में जितना लाइट कम है उसी हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि एक्सपोजर, इसको मैं इतना ही इंक्रीज करूंगा जितना ज़रूरत है। जैसे कि मैं कर दूंगा 60 या 71.70, इतना मैंने इंक्रीज कर दिया। अभी देख रहे हो ठीक ठाक लग रहा है ना, तो इतना ही आपको कर लेना है। कॉन्ट्रास्ट को कर दूंगा +4 एंड हाईलाइट को थोड़ा माइनस करूंगा, जैसे कि 56, और शेडो को कर दूंगा थोड़ा प्लस एंड 27, एंड वाइट को भी थोड़ा प्लस कर दूंगा 23, 24, एंड ब्लैक को थोड़ा माइनस करूंगा जैसे कि 23। तो इतना करने के बाद हमारा लाइट एडजस्ट हो चुका है, तो इसको करते हैं डन। तो अभी हम जाएंगे कलर पर। कलर पर जाने के बाद मिक्स कलर एंड ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर पर जाने के बाद थोड़ा ही प्लस करूंगा, ह्यू को थोड़ा ही प्लस करूंगा। एंड पहले आपको जाना है डायरेक्ट लेमोनस पर, जैसे कि आप नीचे लेमोनस देख रहे हो, इसको इंक्रीज़ करना है। इससे क्या होगा, फेस में देख सकते हो, फेस में ब्राइटनेस हो रहा है ना, तो ऐसे हम इंक्रीज़ कर देंगे जैसे कि 37 करने के बाद बढ़िया लग रहा है। एंड सेचुरेशन को सेटगानी नहीं करूँगा, क्योंकि जो फेस जो सेचुरेशन है ना वो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी थोड़ा माइनस कर देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं। एंड जाएंगे रेड कलर पर। रेड कलर पर जाने के बाद ह्यू को थोड़ा माइनस की तरफ रखेंगे कुछ ऐसे 35, एंड लेमिनस को कर देंगे प्लस 46, एंड सेचुरेशन को भी प्लस कर दूंगा। सेचुरेशन प्लस करने पर क्या होगा, जो लिप्स कलर है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो 50 तक रख देते। अभी लिप्स कलर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अभी जाएंगे येलो कलर पर। येलो कलर पर जाने के बाद ह्यू को कर देंगे कुछ 69 या 68, ऐसा कर देंगे। एंड सेचुरेशन को कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें येलो वगैरह ये सब नहीं चाहिए, बस कुछ फॉग टाइप हम बैकग्राउंड रखेंगे ना, तो उसके लिए ये सब हमें कलरफुल कुछ भी बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अभी जाएंगे हम ग्रीन कलर पर। ग्रीन कलर पर जाने के बाद ह्यू को माइनस कर देंगे कुछ 88, एंड सेचुरेशन को थोड़ा ही प्लस करूँगा जैसे कि 16, एंड लेमोनेज 0 रहेगा। एंड जाते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर पर जाकर ब्लू कलर को थोड़ा ह्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि पास हमें थोड़ा ब्लू ब्लू चाहिए ना, और जो हमारा कपड़ा है ना वो थोड़ा ब्लू है, तो ब्लू कलर के इफेक्ट वगैरह ये सब हमें थोड़ा बहुत चाहिए। तो ह्यू को 18 रख दिया, एंड सेचुरेशन को रखेंगे 28, ऐसे रहेंगे। इसको कर देते डन। तो कलर हो चुका है। इधर हम वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे जैसे कि 12, एंड सेचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देंगे 6, तो इसको करते डन। तो हमारा कलर एडजस्ट हो चुका है। एंड हम नेक्स्ट इसमें यूज़ करेंगे सिलेक्टिव। सिलेक्टिव यूज़ करने के बाद जो फेस में जितने भी दाग दिख रहा है ना, ये सब दाग को हम रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हीलिंग कर लेना है। तो सिलेक्टिव बाद में यूज़ करेंगे, हीलिंग जो दिख रहा है ना हीलिंग पर जाना है। जाने के बाद इधर जितने भी साइज़ दिख रहा है ना, ये साइज़ अपने हिसाब से कर लेना। इधर आप साइज़ देख सकते हो थोड़ा कम कर लिया, और ऐसे हम टैप करेंगे और ये सब दाग रिमूव हो जाएगा। ऐसे टैप करेंगे, दाग रिमूव हो चुका है, तो इसको करते डन। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको सिलेक्टिव पर जाना है। जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है, और इधर जो आपको ब्रश दिख रहा है तो ब्रश पर जाना है और बढ़िया से ब्रश कर लेना है। तो मैं जैसे ब्रश करता हूँ ऐसे आपको कर लेना है। अब ये ब्रश हो गया, हो गया। इधर भी साइज़ को थोड़ा कम कर देंगे। अब ये यार इधर साइज़ कम क्यों नहीं कर रहा है, अभी आ गया तो 12 कर देना। तो अभी बढ़िया से ब्रश कर लेते कुछ इस तरह से, तो जल्दी जल्दी करते। तो कुछ इस तरह से ब्रश कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद जो टेक्सचर है ना वो पूरा माइनस कर देना है। ऐसे माइनस कर दोगे तो बहुत स्मूथ हो जाएगा। एंड आप डिटेल पर जाकर थोड़ा शार्पनेस को थोड़ा माइनस कर सकते हो कुछ इस तरह से। माइनस करने के बाद जो हमारा फेस है वो बहुत बढ़िया से स्मूथ हो चुका है, एंड बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है। अभी जो नेक्स्ट है ना, ये आप ध्यान से समझना। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये सब लाइट एडजस्ट वगैरह ये जितने भी काम मैंने अभी तक किया है, ये सब करने के बाद भी कई जगह पर हमारा ब्राइटनेस बहुत कम रहता है, तो
तो उस जगह क्या करना है, आपको सिलेक्टिव पर जाना है, जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है एंड इधर जो आप देख रहे हो रेडियल ग्रेड लाइन, इसको लेना है। लेने के बाद जिस जगह आपको ब्राइटनेस कम लगे उस जगह ऐसे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको लाइट पर जाना है एंड व्हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना है और इसको टैप करके रखना है और जिस जगह कम लगे एंड उसी जगह आप डबल रख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको कर देना है। करने के बाद एकदम बढ़िया से हो जाएगा, तो इसको हम डन कर देते हैं एंड नेक्स्ट हम फिर से सिलेक्टिव पर जाएंगे। जाने के बाद प्लस पर क्लिक करेंगे एंड लाइनर जो ग्रेड लाइन दिख रहा है इसको लेंगे। लेने के बाद कुछ इस तरह से रखेंगे, कुछ इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसको क्या कर देंगे, एफेक्ट पर जाएंगे। एफेक्ट पर जाने के बाद क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे एंड लाइट पर जाकर एक्सपोजर को थोड़ा माइनस कर देंगे, कुछ इस तरह से माइनस कर देंगे। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इसको करते हैं हम डन। डन करने के बाद नेक्स्ट जो पेड़ दिख रहा है ना फिर से, तो पेड़ में जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा दिख रहा है, तो एक साइड से हम ब्राइटनेस को कम करेंगे। तो सिलेक्टिव पर जाएंगे, जाने के बाद प्लस पर जाएंगे एंड इधर हम रेडियल ग्रेड लाइन जो है ये लेंगे। लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर देंगे और साइड से ऐसे हम थोड़ा ऐसे रखेंगे और एक्सपोजर थोड़ा माइनस करेंगे एंड एफेक्ट पर जाकर क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, जिससे जो पेड़ है वो क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा ना, तो मस्त लगेगा। तो इसको हम डन कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमें एकदम रियलिस्टिक फॉग ऐड करना है, तो इसके लिए आपको फिर से सिलेक्टिव पर जाना है। तो बार बार हम सिलेक्टिव पर जा रहे हैं, तो आप दिमाग ध्यान से समझना, तो प्लस पर क्लिक करना है एंड इधर जो आपको रेडियल ग्रेड लाइन दिख रहा है इस पर जाना है। जाने के बाद एक जगह आपको टैप करना है, कुछ इस तरह से टैप करना है। करने के बाद ऐसे आपको रख देना है। रखने के बाद आपको जाना है एफेक्ट पर जाकर जो देज दिख रहा है ना इसको माइनस कर देना है कुछ 60 तक, जैसे कि मैं कर दूंगा 68 हो चुका है। तो इतना करने के बाद इसको ऐसे बड़ा कर देंगे, ऐसे नीचे के साइड रखेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको टैप करके रख के डबल कर देंगे। डबल करने के बाद इस साइड कुछ इस तरह से रखेंगे हम। तो अब कुछ इस तरह से आपको फॉग ऐड करना है, तो इसको करते हैं डन। तो अभी है कलर ग्रेडिंग, क्योंकि कलर ग्रेडिंग करने पर हमारी फोटो पे एक अट्रैक्टिव लुक आएगा, तो इसके लिए हमें जाना है कलर पर। जाने के बाद कलर ग्रेडिंग पर जाना है एंड हमें शेडो पर जाना है। शेडो पर जाने के बाद आपको ह्यू को कर देना है कुछ 177 रखेंगे हम, 177 हो गया एंड जो सेचुरेशन है इसको कर देंगे 12। करने के बाद देख सकते हो ग्रीन टोन है, जो ग्रीन एंड एक्वा टोन है दोनों मिक्स है, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड हम जाएंगे हाईलाइट पर जाने के बाद इधर हम रखेंगे ह्यू को रखेंगे 163, तो 163 एंड हम सेचुरेशन को रखेंगे 23, तो 23 कर देते, तो इसको करते हम डन। नेक्स्ट आपको डिटेल पर जाना है। डिटेल पर जाने के बाद जो शार्पनिंग है इसको कुछ कर देना है 98-80 ऐसा कर देना है एंड मास्किंग को कर देना है 79 एंड नॉइज़ को कर देंगे हम 20 ऐसे कर देंगे, तो इसको कर लेंगे सेव। तो ये हो गया हमारा कलर ग्रेडिंग। अगर अपनी फेस की जो शेप है उसको आप ठीक करना चाहते हो एंड अपनी हेयर को थोड़ा ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एडोबी फोटोशॉप फिक्स यूज कर सकते हो, तो वो भी हम दिखा देते हैं, उसी सेकंड में हम कर लेते हैं। एडोबी फोटोशॉप फिक्स को ओपन कर लेना है, कुछ इस तरह से ओपन होगा, आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। तो इधर से आपको क्लोज कर लेना है और इधर से अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। तो ये फोटो आपने देखा, मैं लाइटरूम पर सेव किया, तो इधर जो आपको बीच में लिक्विफाई ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है एंड इधर आपको फेस वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, तो अपनी फेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको नोज पर टास्क करना है। टास्क करने के बाद इधर आपको विन वाला ऑप्शन आएगा एंड नीचे आपको डाउन करना है, जो नोज है वो थोड़ा छोटा करना है या बड़ा करना है, मोटा करना है, पतला करना है, वो आपके बात है। और इधर आपको जॉ लाइन भी आप छेड़खानी कर सकते हो कुछ इस तरह से, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मुझे क्या करना है, बस हेयर पर टच करना है। तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आपको वार्प दिख रहा है ना, वार्प पर जाना है और इधर से आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। इधर आप 30 देख सकते हो, 30.0, तो इतना करने के बाद इसको थोड़ा छोटा ही कर देते ना, ऐसे कर देते 20 या ऐसे कर देते। करने के बाद हेयर पे टच करूँगा, कुछ इस तरह से बड़ा कर दूँगा। साइज़ और भी बहुत ज़्यादा है तो और थोड़ा कम कर देते, जैसे कि 8 दिख रहा है साइज़, तो ऐसे हम हेयर को थोड़ा बढ़ा लेंगे ऐसे, कुछ इस तरह से हेयर को ऐसे बढ़ा लेंगे, जिससे फोटो और भी अट्रैक्टिव लगेगा, मस्त दिखेगा। तो हेयर को बढ़ा चुके हैं, तो इसको करते हैं डन। डन करने के बाद आपको फोटो एक बार बिफोर आफ्टर दिखाई देता हूँ एंड बिफोर देख सकते हो, आफ्टर देख सकते हो एंड इधर आपको एडजस्ट दिख रहा है। एडजस्ट पर जाकर इधर भी थोड़ा सेट कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा एडजस्ट एक्सपोजर को ज़्यादा कर देंगे एंड कंट्रास्ट को थोड़ा प्लस करेंगे ऐसे,
एंड सेट्रेशन को थोड़ा प्लस करेंगे, थोड़ा सेट्रेशन ज़्यादा लगेगा और भी मस्त लगेगा। तो इसको करते डन। डन करने के बाद इधर से आपको शेप टू ग्लैरी कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही इजी तरीके से आपको दिखाने की ट्राई किया, आई होप आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।